अपन बात की थी NaOH का निर्माण कैसे होता है, तो NaCl के जल अपघटन से उसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो NaOH प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब महत्वपूर्ण यौगिक में दूसरा यौगिक आता है अपना विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है, इसका निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 बन जाएगा, ठीक है। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती कागज उद्योग में किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में और पीने के जल को शुद्धिकरण के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। नेक्स्ट आता है आपका खाने का सोडा। खाने के सोडे का निर्माण कैसे होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है खाने के सोडे का निर्माण, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को अमोनिया जल तथा CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl प्लस जल H2O प्लस CO2 और यह बन गया NH3 आपका अमोनिया। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे इन चारों की तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 और NaCO3 के आपका खाने का सोडा बन जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण पूछ सकता है आपको खाने के सोडे का निर्माण कैसे होता है। खाने के सोडे का उपयोग, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। खाने के सोडे का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि कोई भी अम्ल होगा वो NaCO3 के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाएगा, खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस, और CO2 गैस ही आग बुझाने के काम आते हैं। तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट धोने का सोडा। धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, इसमें 10 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, तो इस सूत्र याद रखना Na2CO3 10H2O। निर्माण, बेकिंग सोडे को गर्म करते सोडियम कार्बोनेट बनता है और जिसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका धोने का सोडा बन जाएगा। बेकिंग सोडा NaCO3 गर्म करेंगे Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 की 10 अणु जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका धोने का सोडा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रिस्टल जल किसको कहते हैं, किसी यौगिक के सूत्र में जल की निश्चित मात्रा को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे खाने धोने का सोडे में 10 अणु क्रिस्टल जल होते हैं, जिप्सम में 2 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, 2 अणु है ना, और POP अपन आगे पढ़ेंगे उसमें आधा अणु क्रिस्टल जल का होता है। धोने के सोडों के उपयोग, तो इसका उपयोग कांच साबुन उद्योग में किया जाता है, बोरेक्स के निर्माण में, और इसका उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2, 2 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। POP को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 अणु जल निकल जाएगा, तो 2 में से 1.5 निकल जाएगा तो आधा बचेगा, तो वो आपका POP बन जाएगा। CaSO4 2H2O गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर तो CaSO4 1/2H2O, यही आपका POP का सूत्र है जो आप याद रखना। POP के उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं, तो इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, घरों की सजावट में POP का उपयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी POP का उपयोग किया जाता है, क्योंकि POP आर्द्र होने पर कोमल होती है और सूखने पर कठोर होती है, इसीलिए हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर POP लगाते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, कोमल होती है और सूखने के बाद कठोर हो जाती है, तो आपकी हड्डी वापस आसानी से जुड़ जाएगी। दोस्तों इस प्रकार जो दूसरे पार्ट के जो महत्वपूर्ण नोट्स थे मैंने आपको बताए, ये लास्ट में अपन ने बात की थी सारे महत्वपूर्ण यौगिक, इनको आप अच्छी तरीके से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन अधिकतर बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।